जंगली जानवर लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण दहशत में जिंदगी बिताने को बेबस है। बीते दिन कांकेर की अगर बात करें तो यहां के दुधावा बस्ती में तेंदुए ने खेल रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया। घायल बच्चे को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। तेंदुआ अब तक 3 बच्चों पर हमला कर चुका है, जिसमें 1 बच्चे की मौत और 2 घायल भी हो चुके हैं, जो की बेहद ही दुखद खबर है। अब बात करते हैं धमतरी की। धमतरी में सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अर्जुनी गांव में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया और बुजुर्ग की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। वहीं राजिम की बात करते हैं, जहां महासमुंद से दंतैल हाथी फिर पहुंच गया है। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गुंडरदेही से हाथी के सरकंडा आने पर 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट की मुनादी कराई जा रही है। 4 दिन पहले ही हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के कई इलाका में जंगली जानवर मन के आतंक पांचे हुए हैं। बता देना आप मला कि रोजो कोनो ना कोनो खबर आगुआ था वे हमन आप मला अब 2 तस्वीर आप मन के ट्विस्ट के नाम दिखावा था जिन कांकेर और धमतरी लाए हैं। पहली तस्वीर आप मन देख सकते हो जिन कांकेर ले है और जिला में तेंदुआ के आतंक लगातार बढ़ा जा थे। तेंदुआ है एक लड़का ऊपर हमला कर दी से पहले घरों का इसने खबर सामने आ रही से खेले के बेरा लड़का ऊपर हमला करी से आवे। तेंदुआ है लड़का की हालत फिलहाल गंभीर बताए जाते जेकर इलाज चला थे। तेंदुआ है 3 जन लड़का ऊपर पहले भी हमला कर चुके। खबर भी आईबीसी 24 आप मन तक पहुंचाया रही से जिसमें एक लड़का के मौत हो गई रही से आवे, 2 जन घायल हुआ है। बेहद दुखद खबर इसे कांकेर के दुधावा बस्ती की घटना हमन आप मला बता था। अब दूसरा ये तस्वीर के अमन बात कर रहे जिन धमतरी के है, यहाँ भालू हा सियान ऊपर हमला कर दे सावे। घर के पाछू ढार दोनों ओर यह हमला करे सावे और भालू के हमला में सियान की हालत गंभीर है। घायल सियान के इलाज चला था वे ग्राम अर्जुनी तुमड़ी बाहर के घटना बताए जाते। सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट इलाका के मामला हरे। भालू के हमला इलाका के लोगन मन में अब दहशत के माहौल है। जिन जाहिर से बात करें अब आप मतलब बता दें कि लगातार यह जंगली जानवर के आतंक जारी है। इलाका के मन बात करते हैं वहाँ पहली घलोक ये जानवर मन लोगन मन अपन शिकार बना चुके हावे। तो 2 तस्वीर आप मन देख सकते हो जिमा कैसे हमला करा थे उमन और कैसे लोगन मन घायल करा थे आप मन समझ सकते हो। धमतरी कांकेर के 2 तस्वीर हरे। पहली तस्वीर कांकेर के है जहाँ तेंदुआ के आतंक लगातार जारी है और यहाँ लड़का ला नहीं छोड़ा था वे सियान ला नहीं छोड़ा था वे सब ऊपर उमन हमला कर रहे थे। खेले के बेरा लड़का ऊपर तेंदुआ इतना बुरा तरीका ने हमला करे सावे कि ओकर हालत गंभीर बताया जाते इलाज जारी है। 3 जन लड़का ऊपर पहली घलों को वहाँ हमला कर चुके आवे जिन बड़े बात है। हालांकि तेंदुआ के अगर दहशत की बात करें तो लोगन मरला वनिभाग अलर्ट कर रहे थे। लोगन मरला लगातार कहा था कि उमन अलर्ट मोट मार है जंगली एरिया में कमले कम जाए। 2 तस्वीर की अगर बात करें तो धमतरी की तस्वीर है जहाँ भालू ले लोगन मन में दहशत के माहौल हरे। घर के पाछू धार दोनों ओर हमला करी सावे और सबले पहले मन बात करबो जो यहाँ कांकेर की और बात करबो धमतरी के। तो कांकेर की बात करें तो यहाँ तेंदुआ के अतलंगी लगातार जारी है। जैसे कि मन आप पहले बता रहे हैं कि लड़का मन ला घरों के यहाँ नहीं छोड़ा था वे लगातार जो लड़का मन अपन घर के बाहर में खेला थे मन ला अपन शिकार बनावा था वे जेकर से लोगन मन में दहशत के माहौल हरे। तो कांकेर जिला में तेंदुआ के आतंक लगातार जारी है। कई इलाका के तस्वीर और कई इलाका की खबर पहली घलोक सामने आ चुके हैं जहां सियान लड़का सबो ऊपर हमला कर सावे। तो दूसरा योगी अमर मंसल लाइव जुड़ चुका है। सबले पहली बात करबो अमित चौबे के जिन कांकेर ले जुड़े आवे। अमित अगर बात करें कांकेर के तो तेंदुआ लड़का मल्ला सरदार अपन शिकार बना था वन विभाग काकुछ कर बार अब अलर्ट मोड में आते हुए काकुछ लोग सतर्क कर रहे थे। देखिए लगातार ये जो घटना हो रही दुधावा क्षेत्र की है जहां पर ये तीसरा मामला ऐसा सामने आया है जिसमें तेंदुए ने बच्चे पे हमला किया है। एक गंभीर विषय है कि आखिर ये बच्चों को क्यों उठा रहा है। हमने वन विभाग से जानने का प्रयास भी किया है। उनका कहना यह है कि सॉफ्ट इनके लिए निशाना रहता है जिसको लेकर ये उन पर हमला करते हैं। कल शाम को भी जो बच्चे नीरज जरूर जिस पे हमला किया था उसने गर्दन पे सीधा अटैक किया था, उसको खींच के ले जाने का प्रयास किया। हालांकि वहां पर ग्रामीण मौजूद थे और उनके शोर से तेंदुए उसको बच्चे को छोड़ के भाग गया। लेकिन तेंदुए के जो हमले से बच्चे के गले में गहरे घाव हो गए थे, उनके काफी निशान थे, जिसके बाद ग्रामीण उसको उठाकर अस्पताल ले गया सरवंडी, वहां जहां से उसको कांकेर रिफर किया गया। कांकेर में वन विभाग की टीम भी पहुंची, देर रात उसको पहले मेकेआरा ले आया गया था और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसको अभी डीके शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी हालत जो है अभी सामान्य बनी हुई है। हालांकि इस पूरे घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। लगातार जो है वो तेंदुआ है शहर का रुख कर रहा है और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। वन विभाग की जो आला अधिकारी है डीएफओ उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना ये था कि आज जो है रायपुर से टीम पहुंचेगी और तेंदुआ जो आसपास की रिहायशी इलाकों में जिसने दहशत मचा के रखी है उसको पहले पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और ट्रैंगुलाइज करके जो है उसको अन्य किसी जंगल में छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी 25 तारीख को जो है वो एक बच्ची पे हमला किया था जिसकी इलाज अभी भी जारी है। ये जो लगातार जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है और ग्रामीणों की मांग है कि इसको
जैसे भी हो सबसे पहले तेंदुआ को पकड़ा जाए और इस क्षेत्र से हटाया जाए, ताकि जो बच्चे, क्योंकि शाम की घटना थी 6:30 बजे, जब बच्चे अपने ही बस्ती में घर के बाहर खेल कर घर वापस लौट रहा था, तब तेंदुओं ने, आदमपुर तेंदुए ने हमला किया था। क्योंकि ये तीसरा मामला है और उसी क्षेत्र में ही पहले तो ये बस्ती के बाहर हमला किया करता था, लेकिन ये पहला ऐसा मामला अभी सामने आ गया है जब ये बीच बस्ती में घुसकर बच्चे को उठाने का उसने प्रयास किया है। पहले भी यहाँ पे आप बात देखी जाए तो जो शहर जिला मुख्यालय से लगी पहाड़ी में एक मादा और 4 शावक तेंदुए लगातार देखे जा रहे हैं, वहां पर भी वन विभाग अलर्ट मोड में है, वहां पर नाका लगाकर बैठा हुआ है ताकि ग्रामीण जो है वहां पर ना जाए। फिर भी जो लोग हैं वहां पर कई वीडियो बनाने का प्रयास, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के खबर मन के रुख करते हैं। जी हां, कांकेर में एक बार फिर आप बता दें कि तेंदुआ के आतंकी लगातार जा रही है। हमारे सहयोगी भी हमारे संग जुड़े रही सावे, जो इन पूरा जानकारी देख रही सावे। धमतरी की अगर बात करें तो यहाँ भालू के हमला ले दहशत के माहौल, लयका पर तेंदुआ हमला करी सावे, और अगर बात करें तो सियार ऊपर घरों को मन हमला कर रहे थे, लोगन मन दहशत के माहौल रहे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है। देवेंद्र, अपन बात ला अपन पूरा करो, खबर की कुछ जानकारी आप देते रहो कि कैसे हमला कर रही सावे और कैसे लोगन मन की हालत अभी फिलहाल गंभीर रहे। और अब ये भालू के हमला लगातार जारी है, वही सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। बता दूं ये कल की घटना है जहां सियान जो है अपन घर में बाड़ी में दातून तोड़े बगेरी से, और दातून तोड़ी तब जंगल से 2 कुंकार भालू आ धमकी, जैसे संभल पाती तो भालू जो है ना ऊपर हमला कर दी और वाला घायल कर दी, चीख पुकार मचीज, तब जाकर के ग्रामीण बना आई ना और बीच बचाव करी और ओला गंभीर अवस्था में नगरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई। स्वास्थ्य केंद्र नगरी में भर्ती कराए के बाद डॉक्टर मना ओला बहुत गंभीर अवस्था होए के चलते ओला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धमतरी में रेफर कर दी। बता दें कि ये सिलसिला है धमतरी जिला में जंगली जानवर के लगातार जारी है। वन विभाग भालू हमला के बाद ग्रामीण मल्ला सतर्क रहे के हिदायत दिए थे और गाँव में हाका भी परवाह करके लोगन मतलब रात में निकले पर और सतर्क रहे पर लगातार हिदायत देवे थे। बता दूं कि धमतरी के जो नगरी स्वास्थ्य केंद्र में ये जो घायल अवस्था में जो बुजुर्ग आए रही से कलना एला 108 की सुविधा भी मुहैया नहीं करी, संवेदनहीनता का परिचय नगरी हॉस्पिटल के डॉक्टर मन के देखेगी। जो में नगरी के जो मेचका थाना है ओकर जो जीप में एला धमतरी रेफर करेगी, तो संवेदनहीनता जो है नगरी स्वास्थ्य केंद्र में भी देखेगी। ऋषि जी बिल्कुल।